हेलो एवरीवन, सो यस्टरडे ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज वी हैव पोस्टेड दिस क्वेश्चन जिसमें हम बी वे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनर आउटर कोर एंड मेंटल की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी एंड सम पीपल ऑल्सो थिंक दैट द आंसर कुड बी बी, बट बिफोर मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन आई रियली वॉन्ट टू शो यू समथिंग। सी, इन गेट 2007 दे आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट एलवीजेड, दैट इज लो वेलोसिटी जोन। सो द टॉपिक इज साइस्मिक वेव्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसी के ऊपर 2007 में फिर से क्वेश्चन पूछा गेट ने। गेट 2011 ऑन द सेम टॉपिक अगेन रिपीटेड इन 2014, देन इन नेट 2015 साइस्मिक वेव्स, नेट 2016 अगेन, नेट 2022 अगेन। क्या बता रहे हैं हमें? सम टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस हमें ये बोलता है, ठीक है। अब जब हम सिलेबस देखते हैं गेट के अंदर पूछा है उसने, जी सर प्री मींस मेंस दोनों में मेंशन किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड साइस्मिक वेव्स नेट में मेंशन किया है, आल्सो इन जैम दे हैव मेंशन्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ बिगिनिंग में मेंशन्ड है। सो एक सीरियस एस्पिरेंट जब तैयारी शुरू करता है सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। अब सिलेबस देख के पता कैसे चले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? पीवाईक्यूज देखोगे आप, पीवाईक्यू देखने के बाद, सिलेबस देखने के बाद अपने आप हाईलाइटेड पार्ट सिलेबस का समझ में आने लग जाता है, ठीक है। मेरा सवाल ये है एक सीरियस एस्पिरेंट से जिसने तैयारी शुरू कर दी है गेट की, नेट की, जैम की, जीएसआई व्हाटएवर, क्या उसको नहीं पता होना चाहिए था ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या ए और सी में कंफ्यूजन होना चाहिए था उस क्वेश्चन के अंदर? क्या वो क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन नहीं हो जाता? सिंपल डिफिकल्ट कैसे डिसाइड हो रहा है? क्योंकि रिपीटेडली दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, तो वो टॉपिक तो आप डेप्थ में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पढ़ना ही चाहिए अगर आप कंपटीशन सर्वाइव करना चाहते हो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना उसे वैल्यूज तक रटी हुई है पी वेव वेलोसिटी की, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, वो तो इसे सही करके आएगा। अब क्योंकि आपने पार्शल तैयारी करी है आप इसमें गलत कर मार्क करके आओगे तो एक तो आप इसके दो नंबर वैसे गवाओगे, फिर नेगेटिव मार्किंग साथ में लोगे, तो आप उस रेस से बहुत पीछे रह जाओगे। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको तो हमें कैप्चर करना ही करना है। सो आप अपनी तैयारी को एक बार आप देखिए कि किस लाइन ऑफ थॉट पे आप आगे चल रहे हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यू लुक इनटू द पीवाईक्यूज, आप सिलेबस अच्छे से पढ़ो, उसमें हाईलाइट करो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर द सेम रीजन हमने अपने ऐप में जब ये टॉपिक पढ़ाया तो बहुत ग्रेट डिटेल्स में हमने इसे कवर किया है। ऐप का एक्सेस 7 डेज तक है, आप चाहें तो वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए क्या इसमें दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि वी नो दैट पी वेव इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटीज एंड एज वी मूव टू द कोर डेंसिटीज इंक्रीजेस, देयरफॉर वी अस्यूम दैट पी वेव वेलोसिटी शुड आल्सो इंक्रीज, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। व्हाई? बिकॉज पी वेव वेलोसिटीज इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ सम मोर फैक्टर्स। होता क्या है, अब ये जो साइस्मिक वेव वेलोसिटीज है ना, दे आर अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ, दे एक्चुअली आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू वॉट? टू शेयर एंड कंप्रेशनल स्ट्रेसेस। मोर द रेजिस्टेंस मोर द वेलोसिटी, इसीलिए सॉलिड जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। दैट इज व्हाई पी वे वेलोसिटीज एंड एस वे वेलोसिटीज आर मोर इन सॉलिड एज कंपेयर टू अदर टू, एंड सिंस शेयर स्ट्रेस इज जीरो। अब जब हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करते हैं वो तो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते टू द शेयरिंग, रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस इज जीरो इन लिक्विड्स एंड गैसेस, देयरफॉर एस वे वेलोसिटीज उसमें ट्रेवल ही नहीं करते। अब मोर द रिजिडिटी मोर द वेलोसिटी, तो actually the velocities is a interplay, the velocities is a interplay of 2-3 factors, जिसमें से pressure, temperature, densities, chemical composition, all of them play a important role. अब नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक बात है, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, रिजिडिटी कम हो रही है। क्यों? टेम्परेचर, जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रिजिडिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसी वजह से इनर कोर इज लेस रिजिड एज कंपेयर टू मेटल। अब ये वाला डायग्राम हम सबने देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने जियोलॉजी पढ़ना चालू किया और ये डायग्राम नहीं देखा हो, बट इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस हमने नहीं समझी। क्यों? देखो यहां पे ये दिखा रहे हैं पी वे वेलोसिटी मेंटल में 14 तक जाती है, बट इनर कोर में 11.3 मैक्सिमम है, 11.3 इनर कोर में। हाँ, आउटर कोर से तो ज्यादा होगी होगी, क्यों? आउटर कोर बीइंग लिक्विड, इनर कोर बीइंग सॉलिड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, द पी वे वेलोसिटी इन इनर कोर विल बी लार्जर देन द मेंटल, नहीं, लार्जर हो ही नहीं सकती, वो मेंटल से ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनर कोर इज लेस रिजिड एज कंपेयर टू मेंटल, सो लार्जर वाले तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे।
लार्जर देन द मेंटल बट लार्जर देन द आउटर कोर, या फिर सॉरी लेस देन द मेंटल एंड लार्जर देन द आउटर कोर, या फिर लेस देन द मेंटल एंड द आउटर कोर। अब आउटर कोर से तो लेस नहीं होगी, क्यों? आउटर कोर लिक्विड है। सो आंसर विल बी सी। ये टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे और भी बहुत सारे सवाल आए हैं, हम आने वाले टाइम में डालेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट यू गो एंड स्टडी दिस टॉपिक थरोली, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।